भाई बसाते का आज का एपिसोड बड़ा एक नया ट्विस्ट एंड टर्न लेता हुआ आया। पहले जो हमारी आराधना जी हैं वो जाके रियांश की मम्मी से बात करती हैं, वो बताते कि भाई रियांश की क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। फिर वो जो मीडिया हाउस छाप रहा है ये खबर, उससे भी कन्फ्रंट करती है। लेकिन भाई जिस तरीके से चीज़ें हुई आगे वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। कि रियांश का जो दोस्त है, ठीक है, रियांश उससे पूछता है कि तू सिर्फ आराधना से प्यार करते ना, वो सीधे बोल देता है हाँ मैं करता हूँ। वो ये नहीं बोले कि मैं नहीं करता, बोले हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब भाई पूरी चीज़ चेंज कर दी। अब उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि जो क्या नाम है इसका, रियांश है, रियांश कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ फील कर रहा है कि मतलब उसको प्यार के बारे में कुछ पता नहीं, उसको प्यार का मतलब ही नहीं पता। और अगर उसको प्यार का मतलब नहीं पता तो वो कैसे प्यार के बारे में कुछ कह सकता है या कर सकता है, ये चीज़ चल रही है उसके दिमाग में। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मतलब रियाज का जो दोस्त है वो बस ये कोशिश कर रहा है कि वो उसको प्यार का मतलब बताए, और जो आराधना के लिए उसके दिल में प्यार जगा है वो आराधना के लिए वो निकल कर आए और देखने को मिले। आप वहाँ पर क्या होता है भाई साहब, रियांश ने बात सारी सुनी जो भी आराधना ने उसकी मम्मी से की, जिसकी वजह से वो बंदा काफी इमोशनल था कि बताओ मैंने इस लड़की के बारे में क्या सोचा, और ये तो भाई क्या निकली, मैं तो इसको क्या समझा, तो ये तो देव मानुष निकली। इसके वजह से वो और भी ज्यादा इमोशनल, और भाई शराब पी रहा, ड्रिंक कर रहा है, और ड्रिंक करते करते वो पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर पर। फिर इसके बाद भाई बातें बातें होती हैं कि भाई बहुत अच्छी लड़की है, मेरे को उसके बारे में पता है। बंदा इमोशनल हो जाता है सोच सोच कर कि उसने मतलब कितना बड़ा एक इल्ज़ाम लगा दिया था उस लड़की के ऊपर, मतलब आराधना के ऊपर। अब वो ये सुनता है कि हाँ भाई वो जो उसका दोस्त है वो आराधना से बहुत प्यार करता है, तो वो सुनकर वो टूट जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो रेयांश है, ठीक है, रेयांश पीते पीते बाहर आ जाता है, बारिश हो रही होती है, और जो आराधना वो भी अपने घर जा रही होती है पैदल पैदल बारिश में भीगते भीगते। तभी फोन आता है रेयांश के दोस्त का, वो बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया सर, अब क्या करना है, वहाँ की शादी करनी है तो अपने दोस्त को भगा लेना, और यहाँ इसमें तो रियांश वो भी हेल्प करेगा हमारी, ठीक है, बाकी शादी करने की जो करे कर में हमें जो मैरिज लॉट वो है, लेटर है, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वो दे देगा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर आराधना सही हो जाती है, ये समझ जाती है क्या है क्या नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, वो लोग बारिश में होते हैं, आराधना चल रही होती है, तभी उसको एक पत्ता दिखता है, वो पत्ता उठाती है और हवा का झोंका आता है वो उड़ जाता है, और उड़ के लगता है रियांश की आंख पर। अब यहाँ पर मुझे पता है एक बहुत अच्छी चीज लगी कि रियांश की आंख पर पत्ता लगा कैसे, चिपका कैसे, किस तरीके से, कैसे उन्होंने इस सिंग को शूट किया, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है पत्ता ऐसे आके ऐसे आंख पर लगना बहुत मुश्किल टास्क है। या तो फिर इसको रिवर्स करो ऐसे करके, फिर ऐसे हाथ लगे, फिर ऐसे करो, फिर उसके बाद ऐसे करो, फिर वो ऐसे उड़ता हो जा रहा है रिवर्स में करो, या फिर अगर इसको नॉर्मल किया गया शूट तो भाई ये बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क था, जो मैं कहूँगी बहुत आसानी से इन लोगों ने कर लिया। अब आराधना सुबह पहुँचती है अपने ऑफिस पे, सुबह ऑफिस पहुँचते जो रियांश था उसका ना पूरा पूरा रूप चेंज हो चुका था, वो आराधना को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुका था, क्योंकि अब जो उसका दोस्त है वो आराधना से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने दोस्त की जो होने वाली वाइफ है, जो लवर है, उसका ख्याल रख रहा है, और ख्याल रखना एक तरीके से एक दोस्त का फर्ज भी होता है, तो वो वही करता है, और वो उसको हेल्दी खाना खिलाता है, ये सब करता है जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर इतना कन्फ्यूज होती है कि आखिर इसको हो क्या गया जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसे क्या पता कि रियांश को ये बताया गया कि आराधना और जो उसका दोस्त है, ठीक है, वो दोनों प्यार करते हैं, शादी करने वाले, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये देखने को मिला। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस पर जा रही है। रियांश का इतनी जल्दी मतलब आराधना के लिए दिल में फीलिंग्स का आना, उसको फील होना कि हाँ भाई आराधना को लेकर उसको कुछ फील होता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, वरना ये शो ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा कहानी जिस तरीके से चल रही है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये दिन जो है ना वो बहुत जल्दी निकल रहे हैं, मतलब एक एपिसोड में एक एक दिन पूरा ख़त्म, अगला दिन शुरू हो जाता है एक ही एपिसोड में, दो एपिसोड में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसको थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ा सा आराम आराम से चलो। अब ऐसा भी ना हो कि धर्म पत्नी की जगह एकता का पुल खींच रहे कि एक ही रात में भाई कम से कम एक एक दो दो हफ्ते निकल रहे, ऐसा भी ना हो, थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए। लेकिन भाई अब पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में एकता का पुल के, जो इतना
फास्ट फास्ट इस शो को इतनी जल्दी लेके चल रही है। शायद इनकी जो हिस्टोरिकल जर्नी है उसको दिखा के, जो आगे फ्यूचर में जो होगा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो भी है वो दिखाने की बात हो रही हो जो मुझे लगता है वैसा हो, या फिर या पूरा पूरे पास्ट का सीन दिखा रहे फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन जब शादी की बात आएगी रियांश और राधा की, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होगी, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी, शायद ऐसा भी हो सकता है। बाकी भाई देखते हैं वो क्या होता है क्या नहीं होता आने वाले एपिसोड में। लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए। जिस तरीके से एपिसोड जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्त। सबकी एक्टिंग अच्छी है यार। मैं शिवांगी जोशी की बात करूँ या फिर खुशहाल की बात करूँ या फिर खुशहाल का जो सॉरी खुशहाल के जो मम्मी पापा था रियांश के मम्मी पापा जो कैरेक्टर निभा रहे उनकी बात करूँ, आराधना के जो मम्मी पापा का कैरेक्टर निभा रहे उनकी बात करूँ, रियांश का जो दोस्त है उसकी बात करूँ, आराधना की जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बात करूँ, सबके सब एक नंबर का मतलब रोल निभा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं भाई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी आप देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लग रहा है, और इसी तरीके से आने वाले सभी बरसातों के एपिसोड्स के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।